हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बड़ी कैरी और पुदीना 1 कटोरी, फ्रेश पुदीना, अदरक का टुकड़ा, सौंफ जो हमने भिगी रखी है, जीरा पाउडर भुना हुआ और 1 बड़ा सा कटोरी चीनी। अब हम कैरी को अंगारों पे सेकेंगे, इस पे इस तरह से हमको कैरी को सेकना है। इस तरह से अपने उनको कैरी को सेकना है। ये हमारी पक चुकी है, अब हम इसको नीचे उतार देते हैं। अब हम दूसरी कैरी सेकते हैं। हम कैरी को छील लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने कैरी को छील दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसका गुद्दा निकाल देते हैं इस तरह से। अब हम इसको मिक्सी में जार में डाल के पीस लेंगे। अब हम अदरक के टुकड़ों को भी सेक लेते हैं हल्का सा। अब हम इसको जार में डालेंगे। अब हम इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे और भुना हुआ जीरा, सौंफ का पानी और सौंफ, और हम इसमें पुदीना भी डाल देंगे। अब हम इसको पीस लेते हैं थोड़ा। अब ये हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको तपेले में ले लेते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, में 2 लीटर पानी डालेंगे। अब इसको चलाते रहे, जब तक चीनी नहीं घुल जाए तब तक इसको चलाते रहे। अब हमारी चीनी घुल चुकी है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। अब हम इस गिलास को सजाते हैं। इसके लिए हम चाहिए ये हमें पानी, जो पानी में गिलास को उल्टा करके भिगोना और इसमें नमक मिर्च को लगाना है। इस तरह से नमक मिर्च को लगाना है। इस तरह से हमें नमक मिर्च से लगा के सजाना है इसको। इस तरह से हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो चुका है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।